पता नहीं महबूबा जी के सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, कभी श्रीलंका आता है। सपने देखना बंद करें, देश की तरक्की के साथ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं मंजूर अहमद डार। नाजरीन मोहतरम, बड़ा बयान सामने आ रहा है बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चौक की तरफ से। बड़ा बयान सामने आ रहा है, तीनों पार्टीज हुर्रियत एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, तीनों पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना इस बयान में कि यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इन तीनों खानदानों को, यानी एनसी, पीडीपी और हुर्रियत को, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश। यासीन मलिक ने गुनाह कबूल किया उन तीन परिवारों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्की में रुकावट डाली, वहां के बेटे बेटे के झगड़ा कराया, वहां खून की होली खेली। वो अमन की, वो स्वर्ग की जमीन को खून से लाल किया। उन तीन परिवारों के जघन्य अपराध से उनके लिए, उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए कि इन तीन परिवारों ने किस तरह लूटा। आज यासीन मलिक वही है जिसको ये तीन परिवार पाल कर, पोषित कर कर जम्मू के आम नागरिकों की हत्या में जो शामिल था, वहाँ इतना बड़ा नरसंहार होता रहा और ये तीन परिवार उस पर राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहे। आज तीन परिवारों को उस जघन्य अपराध के लिए भी गुनाह मान लेना चाहिए और देश की जनता के सामने अपने इन जघन्य अपराधों के लिए खुलेआम गुनाह मानना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक, चाहे 12 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचे हों, या 11 करोड़ घरों में शौचालय बने हों, या 40 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हों, या 50 करोड़ गरीबों के मेडिकल इंश्योरेंस हुई हो, चाहे 35 करोड़ भारतीयों का ई श्रम हो, एक लंबी लिस्ट है। हर घर नल से जल पहुंचने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी भी स्कीम में किसी से जाति, धर्म, पंथ नहीं पूछा जाता। देश में लोकतंत्र मजबूत है, इंस्टीट्यूशन मजबूत है, पर पता नहीं महबूबा जी के सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, कभी श्रीलंका आता है। सपने देखना बंद करें, देश की तरक्की के साथ चले। ये भयानक सपने देखकर विष घोलने का काम महबूबा जी बंद करें। अब ना तो जम्मू कश्मीर के नागरिक आपको सुनना चाहते, ना देश आपको सुनना चाहता है। केवल पब्लिसिटी लेने के लिए आप देश को बदनाम करने का कार्य करती आ रही हैं और अब भी कार्य कर रही हैं। 2014 से लेकर आज तक, चाहे 12 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचे हों, या 11 करोड़ घरों में शौचालय बने हों, या 40 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हों, या 50 करोड़ गरीबों के मेडिकल इंश्योरेंस हुई हो, चाहे 35 करोड़ भारतीयों का ई श्रम हो, एक लंबी लिस्ट है। हर घर नल से जल पहुंचने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी भी स्कीम में किसी से जाति, धर्म, पंथ नहीं पूछा जाता। देश में लोकतंत्र मजबूत है, इंस्टीट्यूशन मजबूत है।